अक्सर भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ न कुछ पीछे छोड़ देते हैं। कई बार तो हम अपनी नींद को भी पूरी नहीं कर पाते। इसका असर हमारे दिनचर्या पर भी दिखता है। कई बार इस चक्कर में ऑफिस के अंदर बॉस की बात भी सुननी पड़ती है। आज वर्ल्ड स्लीप डे है। ये दिन मार्च महीने के तीसरे हफ्ते यानी 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को नींद के प्रति जागरूक करना है, ताकि वो अच्छी नींद लें और मानसिक तनाव से ना गुजरें। फिट रहने के लिए जहां एक तरफ हमें हेल्दी डाइट लेने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी ओर भरपूर नींद लेना भी सेहतमंद रहने के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। नींद की कमी की वजह से आप गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। खासतौर से बड़े शहरों में व्यस्त लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग रात को सही से नींद नहीं लेते हैं, जिस वजह से उन्हें कई शारीरिक और मानसिक परेशानी होने लगती है। इन समस्याओं का उपाय निकालने के लिए वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी ने स्लीप डे की शुरुआत की। सबसे पहले साल 2008 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। अब 88 से ज़्यादा देशों में वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। नींद ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे देर रात तक बाहर रहना, समय से खाना ना खाना, ज़्यादा शराब पीना, सोशल मीडिया, टीवी, लैपटॉप से हमेशा लगे रहना। इस सब की चीज़ों की वजह से लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। एक रिसर्च के मुताबिक ख़राब नींद के लिए दुनिया भर में 46% वयस्क थकान व चिड़चिड़ा व्यवहार को जिम्मेदार मानते हैं और 41% इसके लिए प्रेरणा की कमी तो 39% एकाग्रता की कमी इसका बड़ा कारण मानते हैं। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निद्रा चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मनचंदाका का कहना है कि नींद जीवन का एक अनिवार्य और सक्रिय चरण है। हालांकि लोग ऐसे मुद्दों के प्रति अधिक शिक्षित और जागरूक बने रहें जिनके कारण स्लीप डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं, फिर भी यहां बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी लापरवाह है।